हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको होम टापस्ट्री चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम क्लास ट्वेल्थ के फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 13 प्रकाश के ध्वनि का नोट प्रोवाइड कराएंगे। इसके पहले आपको हम 12 चैप्टर का नोट दे चुके हैं, नहीं देखें तो एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा, ठीक ना। बहुत ही आसान शब्दों में बहुत ही क्लीन लिखा गया है। एक बार पढ़ेंगे, जो टॉपिक पढ़ेंगे ना वो क्लियर हो जाएगा। केवल एक बार आपको ध्यान से पढ़ना, बस। बहुत ही आसान शब्दों में लिखा गया है। देख रहे हैं ग्राफ और आप कितना अच्छे से बनाया गया है, देख रहे हैं ना। तो यहाँ देखिए पेज नंबर भी डाला गया है, जिससे आपका एक भी टॉपिक आगे पीछे ना हो। ओके, अगर थोड़ा सा क्वालिटी कम दिख रही होगी तो यूट्यूब में साइड में ऑप्शन रहता है, वहाँ से क्वालिटी का ऑप्शन बढ़ा लेंगे, बहुत ही क्लीन दिखेगा। 720 पे कर लेंगे तो बहुत ही क्लीन दिखेगा, ठीक है ना। तो चलिए, इसका आप जो है स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा या वीडियो को रोक करके आराम से लिख लीजिएगा। जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे लगाया गया है, लिखा गया है, उसको एग्जाम से पहले एक बार ज़रूर पढ़ लेना है। पढ़ना सब है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको ज़रूर पढ़ लेना एग्जाम से पहले एक बार। क्वालिटी का ऑप्शन बढ़ा लेंगे तो क्लीन दिखेगा थोड़ा सा, ठीक है ना। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये यहाँ पर लगाया गया। ग्राफ देखिए, न्यूमेरिकल भी आता है क्वेश्चन, ठीक ना, देख रहे हैं ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल एनसीईआरटी पैटर्न है। एक कॉपी का ऐसा है।
बहुत छोटा चैप्टर है। तो नेक्स्ट चैप्टर आप क्या होगा, विवर्तन होगा, डिफ्रैक्शन नेक्स्ट चैप्टर ही होगा। ओके, चैप्टर नंबर 14 ही होगा। तो चैप्टर आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका सब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देख रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर आपका ही होगा। अगर ये आपको नोट अच्छा लगा हो और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।